आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग एंड न्यूमेरस लीक के बाद फाइनली सैमसंग ने गैलेक्सी S8 और S8 प्लस यहाँ पे लॉन्च कर दिया है. नाउ दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड UI, लाइक द कूल न्यू फ्लैट आइकन्स, न्यू डिजाइन UI एंड द राउंडेड कॉर्नर्स विच लुक्स रियली ग्रेट एंड लॉट्स ऑफ आवर यूजर्स वॉन्ट दैट टू इंक्लूडिंग मी. सो आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू कस्टमाइज योर एंड्रॉयड एंड गिव इट अ लुक लाइक S8. हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज अरुण सिंह, यू आर वॉचिंग शैडो एक्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉन्चर के लिए मैंने यहाँ पे नोवा लॉन्चर का इस्तेमाल किया है. नोवा लॉन्चर अभी तक मुझे बेस्ट लॉन्चर लगा है इसके S8 के प्रीव्यू उसके लिए. तो जब ये नोवा लॉन्चर खोलोगे आप तो उससे आपको नेक्स्ट करना होगा और यहाँ पे आपको थीम का सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा. तो आपको यहाँ पे डार्क सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे जो ऐप ड्रॉअर स्टाइल है उसे आपको इम्प्रेसिव करना है और फिर उसके बाद जो ओपन ऐप ड्रॉअर एक्शन है वो आपको स्वाइप अप पे सेलेक्ट करना है. ये सेलेक्ट मत करना प्लीज़. फिर अप्लाई करके आपको नोवा लॉन्चर को ऐसे ही सेटिंग कर लेनी है नोवा लॉन्चर की. फिर उसके बाद नोवा लॉन्चर खोलोगे तो आपको सिंपल सा इंटरफेस दिखेगा ऐसे ही और जब सर्व करोगे तो आपको थोड़े बहुत गैलेक्सी S8 की तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा. तो जब आप ये सब कर लो तो फिर हम लोग को नोवा लॉन्चर के सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करनी है. तो चलिए नोवा लॉन्चर के सेटिंग्स खोल लेते हैं. सेटिंग्स खोलने के बाद आपको सबसे पहले जो है ऐप ड्रॉअर एंड विजेट्स में जाना है. यहाँ पे आपको स्वाइप टू ओपन का ये आपका ओपन रहेगा. उसके बाद ये स्वाइप इंडिकेटर इसे ऑफ करना पड़ेगा आपको और बैकग्राउंड की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% करनी होगी. 100% करने के बाद आपको डॉक पे जाना है. डॉक का जो आइकन लेआउट है वो 125 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाना है. यहाँ पर भी आइकन लेआउट 125 सेलेक्ट कर लेनी है आपको 125. तो 125 करने के बाद आपको फिर डॉक में जाना होगा. यहाँ पर भी आपको 125 जो की है मैंने सेलेक्ट की हुई है. ऐप ड्रॉअर में भी शायद होगा, हाँ है. और यहाँ पर भी आपको 125 सेलेक्ट कर लेनी है. तो जब आप ये सब सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आपको होम पेज पे जाना है और नोवा लॉन्चर जो है वो खोलना है. तो आप देख सकते हो कि ऐप्स जो है वो अब थोड़े बड़े हो गए. आइकन्स के लिए मैंने यहाँ पे GS8 आइकन एप्लीकेशन का यूज़ किया है. मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसे खोलने के बाद आपको अप्लाई करना होगा ये S8 के आइकन्स जो है. पहले नोवा लॉन्चर को आपको ऑलवेज पे सेलेक्ट करनी होगी. तो इसको ऑलवेज पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो नोवा को खोलना पड़ेगा. नोवा सेटिंग्स खोलने के बाद आपको यहाँ लुक एंड फील पे जाना होगा. यहाँ पे जाने के बाद आपको आइकन थीम पे क्लिक करना होगा. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप GS8 आइकन जो है उसे दबा दीजिए. तो जब इसे दबा दोगे तो GS8 आइकन की तरह आपका पूरा आइकन्स हो जाएंगे. तो चलिए देखते हैं. तो आप देख सकते हैं कि पूरा वैसे ही टाइप का हो गया है हमारा आइकन. और जो ये है इसे आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए अपने होम स्क्रीन से. इसे रिमूव करने के बाद आप सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं कि वैसे ही टाइप के GS8 की तरह हो गए हैं. और जो जो कुछ कुछ नहीं हुए वो आप उसे आप मैनुअली भी ठीक कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम है, मुझे यहाँ पे एडिट पे जाना होगा, फिर इसे इसकी प्रोफाइल पर दबानी होगी. तो जब हम दबाएंगे फिर उसके बाद आपको GS8 आइकन पे क्लिक करना होगा. इसे क्लिक करने के बाद नीचे जाइए और जी का ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए. ये ऐप आ गया जी यहाँ पे आपको मिलेगा जी गूगल क्रोम या जी ये मैं हाँ ये लूँगा. तो ना क्रोम के लिए मैं ये सेलेक्ट नहीं करूँगा. इसे ऐसे ही जाने दे रहने दे. तो मैं इसे सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा हो गया. मैंने यहाँ पे क्रोम का भी वो जो है वो आइकन चेंज कर दिया है और अब बारी आती है सबको सेलेक्ट करने की. यहाँ पे सब सारे आइकन्स को सही जगह पे रखने की. तो आप S8 को देख सकते हो. S8 जो है सबसे पहले जो है उसका फ़ोन बुक आता है यहाँ पे. तो यहाँ पे फ़ोन बुक रहेगा और फिर ये जो है कॉन्टैक्ट्स का ये बाद में रहेगा. फिर क्रोम का ऑप्शन इधर रहेगा और आखिरी में कैमरा का ऑप्शन इधर रहेगा. तो
ये ऐसे ही आप भी सेलेक्ट कर सकते हो और बना सकते हो। तो विजिट्स के लिए मैंने यहाँ पे सुपर विजिट्स और ट्राइडेंट का इस्तेमाल किया है, और ये दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूँ, आप ट्राइडेंट प्ले स्टोर से मत करना प्लीज़, क्योंकि वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, वहाँ पे आपको पैसे से ख़रीदना होगा। मैंने तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसे सेट करते हैं, मैं पहले दोनों ऐप को हटा दूँ। हाँ ठीक है, तो चलिए इसे सेट करते हैं। सेट करने के लिए आपको जिसमें जाके नीचे एकदम नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले ये दिखेगा सुपर विजिट्स 3:1, तो आपको ये ही सेलेक्ट करना है, या ये सुपर विजिट्स 4:1 आपको ये सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये लगा लेना है, तो इसको जो बोल रहे हैं उसे अलाउ कर देना है। और ये करने के बाद आपको फिर से एक बार फिर नीचे सुपर विजिट्स पे जाना है, एकदम नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। यहाँ पे आपको जो है ये 2:4 का लेआउट ले लेना है और यहाँ ऊपर लगा लेना है। सॉरी, ये वाला नहीं, 2:4 वाला नहीं, आपको जो है मैं बताना भूल गया कि आपको 2:3 वाले विजिट्स लेना है और यहाँ पे लगा लेना है। तो जब आप ये लगा लोगे, आपको इसको दबाना पड़ेगा, दबाने के बाद ट्राइडेंट पे जाना है। ट्राइडेंट पे जाने के बाद एकदम नीचे आके आपको गैलेक्सी S8 सर्च बार मिलेगा, आपको वो दबा देना है। इसे दबाने के बाद आप इसे अपने हिसाब से इसकी साइज़ वाइज जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं अभी यही रखूँगा, थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा दूँगा बस, और होम स्क्रीन पे जाके आप देख सकते हो एकदम वैसे ही गैलेक्सी S8 की तरह ये विजिट्स जो है वो आ गई है नीचे सर्च बार। आपको इस पर भी फिर टैप करना है, टैप करने के बाद ट्राइडेंट पे जाना है। ट्राइडेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा गैलेक्सी S8 वेदर वाला जो है वो, तो आप इसके आप इसे भी इसकी साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो है साइज़ बढ़ा देता हूँ, बस इतनी रखूँगा। और आप देख सकते हो कि अब इसकी साइज़ जो है वो यस, तो ये एकदम वैसे हो गया। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, तो मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द वॉलपेपर्स। वॉलपेपर्स के लिए मैंने वही GS8 का आइकन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। तो आप जब GS8 एप्लीकेशन के यहाँ पर खोलेंगे, खुलने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे खुलने के बाद आपको वॉलपेपर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे जैसे S8 है, वॉलपेपर 2 S8 है, ये S7 है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वॉलपेपर लूँगा और इसे मैं जो है वो होम स्क्रीन का वॉलपेपर बना लूँगा, अप्लाई करके बना लूँगा। ओके, बनाने के बाद मैं बैक आऊँगा और ये देखिए मेरे वॉलपेपर्स आ गया और हमारा जो एंड्रॉयड है अब एकदम S8 की तरह। सो नाउ फाइनल स्टेप फॉर द कॉर्नर्स, आई हैव यूज्ड कॉर्नरफ्लाई एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बेसिकली बहुत अच्छा एप्लीकेशन मुझे लगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ऑन करके आपके जो एंड्रॉयड के कॉर्नर्स हैं वो जो है वो कर्व हो जाएंगे। ये देखिए जो आपके एंड्रॉयड के जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो जाएंगे। इसे फोकस बनाने पर देखिए, ये देखिए जो एंड्रॉयड कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो जाएंगे और एकदम, जिसकी वजह से जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो एकदम S8 की तरह लगेंगे और एकदम कर्व फ़ोन की तरह लुक देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक मारो, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वो लाल वाला बटन जो है वो दबा दो, उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि आप लोगों को मेरी नए वीडियोज़ की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।